प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार के वर्तमान कार्यकाल को युवाओं के लिए काला अध्याय करा दिया है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अत्री ने कहा कि प्रदेश की वीरभद्र सरकार ने भ्रष्टाचार एवं भेदभाव की सारी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पुत्र की संपत्ति पिछले 5 वर्षों में 1.5 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़ हो जाती है, लेकिन प्रदेश के करीब 10 लाख बेरोजगार युवाओं को किया वादा सरकार भूल जाती है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि सरकार केवल मुख्यमंत्री के पुत्र एवं अपने मंत्रियों के परिजनों की चिंता करती रही, प्रदेश के लाखों बेरोजगारों की चिंता कौन करेगा। युवाओं की दृष्टि से वीरभद्र सरकार के 5 वर्ष काले अध्याय के तौर पर जाने जाएंगे। एक तरफ तो मुख्यमंत्री के पुत्र की संपत्ति 5 वर्षों में 1.5 करोड़ से 87 करोड़ पहुंच जाती है, वहीं दूसरी तरफ जो प्रदेश के आम युवा हैं, 10 लाख बेरोजगार युवा 5 वर्ष इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि वीरभद्र सरकार अपने वायदे को पूरा करेगी और उनको बेरोजगारी भत्ता देगी। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के युवाओं के साथ एक बार फिर से धोखा वीरभद्र सरकार ने किया है। यही नहीं, प्रदेश के जो छात्र युवा छात्र हैं, लगभग 4 लाख युवा जो है, उनको उनके लोकतांत्रिक हित लोकतांत्रिक अधिकार से किसी ने वंचित किया तो वो वीरभद्र सरकार है। छात्र संघ चुनावों पर रोक किसी ने लगाई तो वीरभद्र सरकार है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी वीरभद्र सरकार ऐसा कर चुकी है। और जब प्रदेश में धूमल जी की सरकार आई थी तो धूमल सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उसने प्रदेश के युवाओं के छात्र संघ चुनावों को बहाल किया था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 5 वर्षों में जो अन्याय अत्याचार और जो माफिया राज था वो सर चढ़कर बोल रहा था। अत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के गिरते स्तर पर सरकार को दोषी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने देवभूमि को अपराध भूमि बनाकर देश और दुनिया में कलंकित किया है। अत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में वन माफिया, भू माफिया, ड्रग माफिया व शराब माफिया को संरक्षण दिया है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई रही। उन्होंने कहा कि अब चुनावों में प्रदेश की जनता कांग्रेस का प्रदेश से सुफड़ा साफ करने वाली है और भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा और सरकार भी भाजपा की बनेगी। शिमला में युग का अपहरण होता है और 1 वर्ष बाद उसको पानी की टंकी में मृत पाया जाता है। गुड़िया के साथ कोटखाई में क्या हुआ किसी से छिपा नहीं है, पूरे भारत ने देखा कि उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार की क्या भूमिका रही और किस तरह फॉरेस्ट गार्ड की हत्या करके उसको वृक्ष पर उल्टा लटका दिया गया। ये सारे उदाहरण ऐसे हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पिछले 5 वर्षों में वीरभद्र सरकार ने जन कल्याण के नाम पे कुछ नहीं किया, यदि कुछ किया तो माफिया को संरक्षण देने का काम किया, कानून की धज्जियां उड़ाई, अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज जब विधानसभा चुनाव सर पर हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर झूठे आरोप लगाकर एक बार फिर से इस प्रदेश की जनता को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सफल होने वाला नहीं है। 9 तारीख को प्रदेश की जनता जवाब देगी उस अत्याचार का, जो अत्याचार पिछले 5 वर्षों में वीरभद्र सरकार ने आम जनमानस पर किया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रचंड बहुमत मिलेगा।